अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर नेताओं का गांव में पूर्णत वर्जित है लिखकर तख्ती बैनर चस्पा कर दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं होते हैं तो वह अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दोनिया के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सड़क, पानी, आवास, शौचालय की सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर अब सांसद प्रतिनिधि शरद द्विवेदी से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव बहिष्कार की जानकारी उन्हें 2 माह पहले से थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन 2 माह में भी पार्टी ग्रामीणों को नहीं मना पाई। क्या शुभ नाम है सर? कमल। किस पद पर पदस्थ है? ये स्कूल में क्या समस्याएं हैं आपकी? और स्कूल की कंडीशन कब से इस तरह है? 4-5 साल। तो आपने क्या किया है अभी तक? मतलब हम इस गांव की आबादी है मेरे यहाँ 1978। ये जो ऊपर टोला से नीचे टोला जो दुनिया रोड है वो बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। इसे ऊपर टोला के नीचे टोला के आदमी को ऊपर टोला आने में बहुत दिक्कतें होती है, उसमें बहुत परेशानी होती है उन लोगों को। इसे उन लोग बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए उन लोग का कहना है कि कम से कम हमारा रोड बन जाए। सबसे ज़्यादा पीएम आवास किस टोले में बने हुए हैं? पीएम आवास की ज़्यादा जाम कछार, ऊपर टोला दुनिया में मिला के सब कुछ मिला के 186 आवास है। 2.25 किलोमीटर समथिंग अभी उखड़ा रोड है जिसमें कुछ नहीं बना है, मतलब उसमें रोड निर्माण ही नहीं किया गया है। तो इस मांग के तहत लोगों के द्वारा चुनाव बहिष्कार जैसे आंदोलन करने या फिर आगे चक्का जाम करने का इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें से मेरा यह था कि मेरे को 2 महीने पहले यहाँ के जो सरपंच हैं उनके द्वारा सूचना भी मिली थी कि ऐसा ऐसा समस्या है, जिसके बाद माननीय पूरे गांव के बैठक किए, जिन्होंने कहा इस बार में हम दुनिया पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, रोड, पानी, शौचालय, 1-2-3 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ आज तक ग्रेवल रोड तक ही नहीं बना। लोगों ने आंदोलन किया कि हम इस बार चुनाव में छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक ये रोड की बहुत समस्या है। बड़े बड़े नेता आकर के ग्रामवासियों को वादा किए कि हमने रोड बनवा देंगे, लेकिन आज तक ये नेता कहकर तो चले जाते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। किन नेताओं की आप बात कर रहे हैं? सही, बीजेपी का बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का बात कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब का बात कर रहा हूँ, ये सभी लोग सब झूठ। यहाँ के मन नहीं इकट्ठा हो, इन्हें आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ विकास नहीं हुआ है, आदिवासी शासन है, लेकिन वह कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ वोट मांगे ले आते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब रोड बनाबो या करबो वह करबो, लेकिन आश्वासन दिलाए कि हम दोबारा आए चे नहीं। जब उनका काम हो जाते तो देखे नहीं कि जनता यहाँ के का है, कैसना है, कोई मतलब नहीं रहे उन ला, हम खुद के अपन विकास करते हैं। मामला ये है कि गाँव में बहुत से सारे समस्या हैं, जैसे स्कूल जर्जर हो गया, फिर रोड जर्जर है। इसके मामले में क्या है, बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि अब सुदामा सिंह रहा उस समय 10 साल विधायक रहे, वो लोग क्या है, वो आए कई बार आश्वासन दिए कि हमने रोड बना दे। नेता लोगों का विकास हो रहा है, हमारा विकास कहाँ हो रहा है? क्या नेताओं का विकास हुआ है? नेताओं का विकास है कि पेट्रोल पंप, गाड़ी है, घर है, क्रेशर है, खुद के चलने के लिए उनके पास ब्रोलो भी है ना, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कीचड़ वाला रास्ता है, कीचड़।